मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार राज्य में फैले तरह तरह के माफियाओं पर कार्रवाई के लिए अभियान चला रही है। इनमें भू माफिया, शराब माफिया, मिलावटखोर, अवैध वसूली वाले गिरोह के लोग शामिल हैं। मगर 15 साल तक राज्य की सत्ता पर काबिज रही बीजेपी इस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि उसकी पार्टी के नेताओं को खासतौर से निशाना बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने राज्य में अवैध खनन, अतिक्रमण, भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का राज्यव्यापी अभियान छेड़ रखा है। अवैध तरीके से खड़ी की गई इमारतों को गिराया जा रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है और अवैध खनन के आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। 11 प्रकार के माफिया पिछले 15 सालों में पनपे और जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को जकड़ लिया, जैसा आपने अभी देखा फिल्म में ड्रग माफिया, भू माफिया, वसूली फिरौती माफिया, वसूली और फिरौती माफिया, शराब माफिया, मिलावट माफिया, चिटफंड माफिया, अवैध कॉलोनी माफिया, ब्लैकमेल माफिया, माइनिंग माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया और सहकारी माफिया, जिनके खिलाफ समूचे प्रदेश में व्यापक रूप से कार्रवाई की गई है। मगर 15 साल तक राज्य की सत्ता में काबिज रही बीजेपी के नेताओं में इस कार्रवाई से बेचैनी बढ़ गई है। इसके खिलाफ शुक्रवार को बीजेपी ने इंदौर में बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, महापौर मालिनी गौड़, सांसद शंकर लालवानी जैसे बड़े नेता शामिल हुए। हालांकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने इन सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया। मेरा माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री से निवेदन है, वास्तविक रूप से आप भू माफिया, आप ऐसे जो जुआ घर चलाने वाले या सट्टेबाज या सभी माफियाओं के खिलाफ वास्तव में, तो एक बात ये भी देखना पड़ेगी कि ये काम आखिरी तक पहुंच जाए, लोगों को राहत भी मिले, लोगों को लगे कि हाँ बड़े बड़े माफिया सही माने में जेल गए। मेरा इतना ही कहना है, आपने अच्छा किया, पहली बार बोला मैं अच्छा किया, मगर अब ये भी देखो और उसके साथ एक बात ये भी देखो कि गरीबों के मकान नहीं टूटे, जो सामान्य लोग हैं केवल वो बीजेपी का कार्यकर्ता है इसलिए उस पर आ जाए, ये हम सहन नहीं करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और काला पीपल से कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि बीजेपी ऐसे प्रदर्शनों से माफिया और गुंडों को बचाने की कोशिश कर रही है। जिस प्रकार से माफिया राज के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को डर हो चुका है, सताया जा चुका है। और अगर अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी के लोग, अगर बीजेपी के कार्यकर्ता ही माफिया है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। माफियाओं को संरक्षण देना बंद करे बीजेपी, इस प्रदेश से माफिया राज को उखाड़ना तय है और माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक भी माफिया नहीं बचेगा, चाहे जितना संरक्षण देने की कोशिश करे। किसी को यहाँ लाने के लिए नहीं, पर इस प्रदेश की जनता के लिए काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और एक एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कहीं का भी हो, माफिया माफिया है, किसी दल का नहीं होता। पर सबसे ज्यादा माफिया मुझे लगता है पिछले 15 साल में पैदा हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी है। राज्य सरकार के इस अभियान से कांग्रेस बीजेपी में टकराव बढ़ गया है। हाल ही में सागर में पूर्व निगम अध्यक्ष और बीजेपी के पार्षद विनोद तिवारी ने कमलनाथ सरकार पर जबरन कार्रवाई का आरोप लगाया था। भारतीय जनता पार्टी का तोड़ दिया बस, अरे हमारों के मकान तोड़ दो, और कांग्रेस की सरकार है, पिछले की सरकार आया कब हमारों की, जब भी तुम नौकरी करो, नौकरी अभी नहीं करो अकेले तुम, एक साल दो साल। आंकड़े बता दें कि अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने रियल स्टेट सेक्टर में 615, शराब में 694, मिलावट के 150 और जबरन वसूली के 149 माफियाओं पर कार्रवाई की है। इसके अलावा अवैध खनन के 1330 और अवैध परिवहन के 8294 मामलों पर कार्रवाई की जा चुकी है। राज्य सरकार ने साफ किया है कि राज्य में सभी माफिया जल्द सलाखों के पीछे होंगे। अंकुश चौबे, गो न्यूज़।